और चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं रत्न भंडार की, क्योंकि आज भीतरी कक्ष खोला जाएगा। 14 जुलाई की बात करें तो देखिए आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं कि उस वक्त भारी कक्ष खोला गया था, भारी भंडार खोला गया था। एक भीतरी भंडार, एक भारी भंडार और पुरी के जगन्नाथ मंदिर का आज रत्न भंडार खुलेगा। और आपको जानकारी लगातार हम दे रहे हैं कि आज अंदरी भंडार खुलेगा, भीतरी भंडार खुलेगा और इसको लेकर के व्यवस्थाएं फिलहाल पूरी कर ली गई है। मंदिर प्रशासन के जो सदस्य हैं सभी लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और तैयारी अब पूरी कर ली जा चुकी है और अब से कुछ ही देर में तस्वीरें भी नजर आएगी। दूसरा दिन वो कार्य शुरू होने वाला है। हाई लेवल कमेटी आज भी जो रत्न भंडार का कार्य है वो स्टार्ट करेंगे, तो उसी हिसाब से हमारा जो रोल है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और उसको सिक्योर रखना, वो टेम्पररी भंडार है। उसके अलावा सीसीटीवी सर्वेलेंस और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी हैज बीन टेकन केयर ऑफ। मैं पहले से भी बोला था कि वट एवर इज बीइंग डन एज पर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और दीपेश हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। दीपेश ये बताइए कितना इंतजार, क्योंकि हर बार ये कहूं कि रत्न भंडार जब खुलता है तो एक तरह से वो चौंकाता भी है, कितनी देर में ये जो पूरी प्रक्रिया है रत्न भंडार को खोलने की वो शुरू होगी? देखिए बिल्कुल श्वेता, जो है प्रक्रियाएं जो हैं वो इस वक्त मंदिर परिसर के अंदर शुरू हो चुकी हैं, लेकिन जो जिस बात का जिक्र आपने किया चौंकाने वाला, तो उस तरह का शायद यहां पर कुछ नज़र ना आए, क्योंकि पिछले मरतबा जब 1978 में भी काउंटिंग हुई थी जब रत्न भंडार को खोला गया था, तो तमाम जो आभूषण हैं भगवान को पहनाए जाने वाले उनकी लिस्टिंग की गई थी, उनकी जाँच पड़ताल हुई थी और उसके बाद फिर उसे वापस पैक कर दिया गया था। 14 तारीख को जब रत्न भंडार खोला गया तो उसकी चाबी नहीं थी, लेकिन भीतरी रत्न भंडार को काट कर उसके ताले को काट करके उसे ओपन किया गया, उनकी वीडियो फोटोग्राफी कराई गई और फिर उसे पैक कर दिया गया था, क्योंकि 15 तारीख को बौड़ा यात्रा होने वाली थी। और यही कारण है कि अब जो है वो रत्न भंडार को खोले जाने को लेकर 16 तारीख को जो बैठक हुई थी उसमें तय किया गया था कि रत्न भंडार को खोला जाएगा और उसके बाद जो भीतरी रत्न भंडार के आभूषण हैं उन्हें बाहर जो अस्थायी भंडार बनाया गया कि वहां पर शिफ्ट किया जाएगा और वहां पर शिफ्ट किए जाने के बाद मरम्मत का काम जो है वो रत्न भंडार का शुरू होगा और उसके बाद पुनः इस रत्न भंडार के जो तमाम आभूषण हैं उन्हें रत्न भंडार के अंदर शिफ्ट किया जाएगा और फिर काउंटिंग की प्रोसेस जो है वो शुरू होने वाली है। यानी एक लंबी प्रोसेस के वक्त इस पे लंबा लगने वाला है, यानी जिस बात का इंतजार पूरा देश और पूरी वासी कर रखेंगे कि कितने आभूषण भगवान महाप्रभु के उस रत्न भंडार में मौजूद है, उसके लिए थोड़ा और इंतजार जो है श्वेता वो अभी करना पड़ेगा। मैं संतोष से कहूंगा जरा तस्वीरें दिखा दें कि इस वक्त जो महाप्रभु हैं वो अपने रथ पर विराजमान के और आज एक और रस्म होने वाली है और रस्म के पूरा होने के बाद कल जो है उन्हें मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा और उसी गर्भगृह में जहां पर भगवान महाप्रभु बैठने वाले हैं उसी गर्भगृह में रत्न भंडार के जिसे खोला जा रहा है। क्योंकि 16 तारीख को जो बैठक हुई थी उस बैठक में यही निर्णय लिया गया था कि जब भगवान अंदर मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे तो फिर पूजा अर्चना और बाकी कामकाज की वजह से रत्न भंडार को बार बार खोलने उसमें सामान को शिफ्ट करने में बहुत दिक्कतें अब जो है वो महसूस होने वाली है। यही कारण है कि भगवान के बाहर रहते हुए पहले रत्न भंडार को खोलकर वहां के सामान को जो आभूषण उन्हें बाहरी जो अस्थाई भंडार के वहां पर शिफ्ट कर लिया जाए और उसके बाद मरम्मत का काम जो है वो शुरू कर दिया जाए, उसके बाद जो काम है वो एसआई का शुरू होने वाला है। यानी समझा जा सकता है कि अभी वक्त जो है वो ज्यादा लगने वाला है, लेकिन आज जो है पहली प्राथमिकता जो है वो यही रहने वाली है कि रत्न भंडार से तमाम आभूषणों को बाहर शिफ्ट कर लिया जाए। यही कारण है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम मंदिर परिसर के बाहर और मंदिर के अंदर भी जो है वो नजर आ रहे हैं। संतोष जरा मंदिर के जो मुख्य द्वार है उसकी तस्वीर भी दिखा दें और यहीं से अंदर जो है वो इस वक्त रत्न भंडार खोला गया है और अंदर की जो प्रक्रियाएं हैं वो इस वक्त मंदिर में चल रही है। मैं कुछ लोगों से भी, आम जो श्रद्धालु दूर दूर से आए हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा और संतोष से कहूंगा जरा तस्वीरें भी दिखाते रहें कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं दूर दराज से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कहाँ से आए हैं, किस मनोकामना को लेकर आए, क्या नाम है आपका? श्रीकांत साहू। कहाँ से आए? भद्रक से। अच्छा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, भगवान का रत्न भंडार खुलने वाला है। हाँ, खुलने वाला है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, जोया में ठाकुर जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, ये होना चाहिए। ये जो रत्न भंडार है ना, बहुत दिन बाद ये होना चाहिए, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। कहाँ से आए? खुर्दा से आया। लग रहा है अच्छा लग रहा है, दर्शन हो गए क्या? हुआ दर्शन हो गए? हाँ, पे अच्छा से दर्शन हो गए। आज उनका रत्न भंडार भी खुलने वाला है, कोई जानकारी है? हाँ जानकारी है, अब हाँ जानकारी है, खुलना चाहिए।
हाँ खुलना चाहिए, वो तो उनका मर्जी है ना, वो जो चाहेगा वो करेगा। वो 46 सुना भी इसके दर्शन में 46 साल हो गया खोला नहीं है, अभी उनका माया हो गया, वो खोल दिया था, उनका दिक्कत को कौन मानेगा, वो जो करना है वो करेगा। देखिए लोग कह रहे हैं कि 46 वर्ष हो गए थे खुला नहीं था, लेकिन अब खुलेगा और उसकी फिर अकाउंटिंग भी होगी कितने आभूषण भगवान महाप्रभु के पास हैं, क्योंकि बाहरी रत्न भंडार जो है वो हर वर्ष खुलता है। और कल ही हमने देखा था कि सुनावेश हुआ था तब पूरे स्वर्ण आभूषणों से महाप्रभु को श्रृंगारित किया गया था, उनके भुजाएं, उनके पैर। वहां पर मौजूद रहिए, तस्वीरें भी वहां से दिखाते रहिए, क्योंकि हर कोई इन तमाम चीजों को जानना चाहता है, देखना चाहता है, क्योंकि रत्न भंडार वहां से वहां पर खुला है। दीपेश, हम आपके पास लौटेंगे, फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब आपको दिखाते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें 2 मिनट भारत में। गुजरात एसटीएफ ने ड्रग्स फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, 20 करोड़ रुपए की दवाएं की जब्त, मामले में 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। और कन्नौज में जुलूस के दौरान छज्जा गिरने से दर्दनाक हादसा, मलबे में दबकर एक बच्चे की मौत, करीब 14 लोग घायल, छज्जे पर एक साथ ज्यादा लोगों के चढ़ते वक्त यह हादसा हुआ। हरदोई में रील के लिए युवक ने जोखिम में डाली जान, बढ़े जल स्तर के बीच बनाया वीडियो। यूपी के महोबा में बाइक सवार दबंगों ने पेट्रोल पंप पर मारपीट की, पेट्रोल देने से मना करने को लेकर पंप कर्मी को पीट दिया। यूपी के आजमगढ़ में पड़ोसियों ने किया ईंट पत्थरों से हमला, पथराव की घटना सीसीटीवी में कैद। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बच्चे को बाइक पर बिठाकर स्टंट करने का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। यूपी के सीतापुर में हाई टेंशन तार से टकराया ताजिया में आग लग गई, लोगों में मचा हड़कंप, वीडियो वायरल। राजस्थान के हनुमानगढ़ का रफ्तार का कहर देखने को मिला, अनियंत्रित होकर डिवाइडर की रेलिंग से टकराकर पलटी कार, हादसे में 3 लोग घायल हुए। यूपी के जौनपुर में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान घायल हुआ बदमाश, मौके से बदमाश का साथी फरार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पिछले 12 घंटों के अंदर 3 जगहों पर मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान 5 बदमाश घायल, सभी घायल बदमाशों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। शाहजहांपुर में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, 1 लाख के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में किया गया ढेर, बदमाश पर दर्ज थे कई आपराधिक मामले। कर्नाटक के अंकोला में लैंडस्लाइड से 4 लोगों की जान चली गई, करीब 3 लोग लापता। यमन के यद्रा मौत में भारी भूस्खलन, चट्टान खिसकने की घटना की गई दर्ज, पीड़ितों की संख्या अभी भी नहीं आई सामने। कोमोरोस में जहाज पलटने के बाद बचाए गए 8 भारतीय और 1 श्रीलंका का जवान, और तस्वीरें सामने आई है, रेस्क्यू के लिए पहुंचा भारतीय युद्धपोत INS। रिपब्लिक भारत आपके साथ, मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। सुबह के 10 बज रहे हैं, गायत्री और महिमा भी मेरे साथ मौजूद हैं। इस बुलेटिन में बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे, आपको बता दें पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि एक विवादित वीडियो सामने आया था मनोरमा खेडकर का, जिसमें वो धमकाती नजर आई थी किसानों को। इस वक्त आपको बता दें जो अपडेट आ रहा है वो ये कि इस मामले में एक्शन लिया गया है, मनोरमा खेडकर को हिरासत में ले लिया गया है, पुणे पुलिस ने ये कार्रवाई की है, हिरासत में लिया गया है मनोरमा खेडकर को, जो पूजा खेडकर की मां है, ट्रेनी IAS पूजा खेडकर की मां, जो सरपंच भी थी गांव की, और कई आरोप लग रहे थे जिस तरह से ये वीडियो सामने आया था, हाथ में पिस्टल लेकर के धमकाती नजर आ रही थी किसान को, और किसान ने ही इस मामले में FIR दर्ज की थी, जिसके बाद पुणे पुलिस ने एक्शन लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिरासत में ले लिया गया है मनोरमा खेडकर को। सवाल यह था कि सरपंच उस गांव की, इनकी जिम्मेदारी थी कि किसानों के हित की रक्षा की जाए, लेकिन यहां कैसे किसानों की ही उस जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही थी, धमकाया जा रहा था, और इस पूरे मामले में अब एक्शन लिया गया उस FIR के बाद, जिसको किसान ने मनोरमा खेडकर के खिलाफ दर्ज करवाया था, जिस तरह से वो धमकाती नजर आ रही थी वीडियो में। नहीं, पिस्टल के साथ वो वीडियो इस वक्त लगातार आप दिखा भी रहे हैं श्वेता, जिसका आप जिक्र कर रही हैं, और महाराष्ट्र के महाड़ से हिरासत में उनको लिया गया है, पूजा खेडकर की मां हिरासत में ली गई है। हिरासत में जब ली गई तो अब देखना होगा कि किस तरह से एक्शन उन पर लिया जा सकता है। देखिए इस वक्त हिरासत में ली जा चुकी है,
जो पूजा खेडकर की माँ है मनोरमा खेडकर, क्योंकि मनोरमा खेडकर का जो वीडियो सामने आया था उसी के बाद कई सवाल खड़े होने लगे थे कि आखिर ये धमकाया क्यों जा रहा है, पिस्टल लेकर के कैसे किसानों को धमकाती नजर आ रही थी। और इसी वीडियो को अब सामने आने के बाद हड़कंप मचता है, FIR दर्ज होती है इस मामले में, इसके बाद एक्शन होता है, क्योंकि सवाल तो यही थे कि एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। एक तरफ हमने देखा था पूजा खेडकर ट्रेनी IAS का वो रवैया जो सवालों के घेरे में था, हालांकि ट्रेनिंग रोक दी गई है पूजा खेडकर की, लेकिन उस बीच आपको बताएं एक के बाद एक इस तरह के वीडियो जब सामने आ रहे थे तो फिर सवाल पूरे परिवार पर ही खड़ा हो रहा था, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा था कि पिताजी और दादाजी प्रशासनिक अधिकारी थे, माँ सरपंच, इस तरीके की जिम्मेदारियां होने के बाद भी एक तरह से कहे कि वो बर्ताव क्यों नजर आ रहा था जिसकी उम्मीद कभी कोई नहीं करता। सरपंच की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, लेकिन यहां सरपंच की आड़ में किसानों को धमकाती थी जो पूजा खेडकर की माँ है मनोरमा खेडकर। और जो ये वीडियो जब सामने आया था तब एक एक पोल खुल करके सामने आ रही थी ये खबर। इस वक्त आपको बता रहे हैं इस मामले में जिस तरह से एक्शन लिया गया है।